इरफान सेमल। सकल हिंदू समाज व जनजाति विकास मंच ने लव जिहाद के आरोपी पर कठोर कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। सकल हिंदू समाज व जनजाति समाज आक्रोश में लव जिहाद के आरोपी को कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नगर में सकल हिंदू समाज व जनजाति विकास मंच ने पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी रोहित पाटीदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लव जिहाद के आरोपी करीम खान पान सेमल, जिसने नाम बदलकर आदिवासी समाज की लड़की को बहला फुसलाकर उसके खोटा काम किया था, जिसको लेकर सकल हिंदू समाज व जनजाति समाज ने रोष व्याप्त जताया है एवं दोपहर 1 बजे थाना पहुंचकर आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए जमानत भी किसी प्रकार से ना हो मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। लव जिहाद की घटना 5 साल में घटी है। करीम शेख नामक युवक, मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदल करण जाधव करके एक आदिवासी महिला ये बालिका को बहला फुसला कर दुष्कर्म किया है। इसके चलते आज सर्व आदिवासी समाज, जनजाति समाज और हिंदू समाज मिलके थाने पे ज्ञापन सौंपा और इस तरह घटना आगे नहीं हुए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम सब यही चाहते हैं, आगे उग्र आंदोलन करेंगे हम सभी मिलकर। खरगोन के पीजी कॉलेज में एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारियों सहित स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा करते हुए प्राचार्य कक्ष में जाकर प्राचार्य का घेराव कर लिया। संगठन के जिला संयोजक बंटी मालवीय ने बताया कि पीजी कॉलेज में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एडमिशन से वंचित रह गए हैं। कॉलेज प्रबंधन से मांग की है, मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्राचार्य डीडी महाजन ने बताया कि एडमिशन के लिए सीट संख्या बढ़ाने की पात्रता कॉलेज स्तर पर नहीं है, शासन स्तर से इस बाबत पत्राचार किया जा रहा है। इस प्रदर्शन ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की आचार संहिता लागू है, बावजूद छात्र संगठन द्वारा सरकारी कार्यालय के अंदर झंडे बैनर के साथ प्रदर्शन किया गया है, जिसे लेकर एनएसयूआई ने आपत्ति भी जताई और कॉलेज प्रबंधन से इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि 3 दिन पूर्व ही एनएसयूआई ने भी कॉलेज गेट के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि कॉलेज परिसर छात्र हित की आड़ में राजनीतिक अखाड़ा बनेगा या फिर शिक्षा का केंद्र। स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन जिले का अग्रणी महाविद्यालय और खरगोन जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं अध्ययनरत करते हैं, परंतु महाविद्यालय में सीटों की संख्या कम होने के कारण यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं और इसी छात्र को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय से मांग करिए कि यहाँ पर सीटों की वृद्धि की जाए। पिछली बार भी 2 बार विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य शिक्षा मंत्री को अवगत करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी लगभग यहाँ महाविद्यालय के 5,000 से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहे। विद्यार्थी परिषद के यही मानिए कि यहाँ पर सीटें बढ़ाई जाए और जो वंचित विद्यार्थी है उनको एडमिशन दिया जाए। प्राचार्य कक्ष का घेराव बन गया है, जब तक सीट की वृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे। अभी तक जन भागीदारी समिति से भी सीट की कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्राचार्य घेराव जारी रहेगा, प्राचार्य घेराव जारी रहेगा, जब तक सीट वृद्धि नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कॉलेज प्रशासन तो जरा सीटें बढ़ गई है। नहीं, अभी तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ी। बंटी मालवीय जिला सुजापुर।